गाइस कैसे हैं आप लोग सब आज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस मैं लाया आपके लिए फायरबोल्ट हेरिकेन प्रो स्मार्ट वॉच, जिसकी गाइस डिस्प्ले आती है 1.39, जो कि गाइस आपको बहुत ही बिगेस्ट फील होने वाली है। इसमें आपको मिलते हैं 123 स्पॉट मोड, जो आप वर्कआउट करते समय इनका यूज़ कर सकते हैं। ब्लड ऑक्सीजन मिलता है, हार्ट रेट ट्रैकिंग इसमें आप कर सकते हैं। और गाइस देखिए, इसमें आपको मिलता है 240x240 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ इसका डिस्प्ले मिलता है। बात करते हैं बैटरी लाइफ, तो गाइस इसमें आपको मिलता है 7 डेज बैटरी लाइफ। एंड गाइस इसी के साथ आपको मिलते हैं इसमें मल्टीपल वॉच फेस, जैसे कि आप खुद का फोटो लगा सकते हैं, कोई भी वॉच फेस आप इसमें लगा सकते हैं। एंड गाइस इसमें आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि गाइस आपके पास फोटो खींचने वाला कोई नहीं, तो गाइस इस स्मार्ट वॉच से आप अपने फोन का कैमरा कंट्रोल करके खुद का फोटो इसमें आप ले सकते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट आता है इसमें वेदर अपडेट, तो गाइस ये वाली जो वॉच है आपको वेदर अपडेट भी रखेगी। एंड गाइस करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। एंड गाइस आपको ये वॉच क्यों खरीदनी चाहिए, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और करते सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग। फाइनली गाइस करते हैं फायरबोल्ट हेरिकेन प्रो की अनबॉक्सिंग, जो कि आपको मिलती है 1.39 कलर HD फुल टच स्क्रीन के साथ, जहां गाइस आपको मिलता है यूज दिस फीचर टू फाइंड योर फोन, जिसके साथ आपको मिलता है फाइंड फोन फीचर्स। और गाइस आपको बता दूं, इसकी जो बैटरी लाइफ है वो आपको मिलती है 7 डेज के लिए। और गाइस बॉक्स ओपन हो चुका है, यहाँ पे देखिए आपको चमचमाती स्मार्ट वॉच के साथ यहाँ पे मिलता है आपको मैग्नेटिक चार्जिंग केबल। इस चार्जिंग केबल से आप अपनी स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हैं लो पावर अडेप्टर या फिर PC USB के साथ। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है यूजर मैनुअल, और यूजर मैनुअल के साथ कुछ कार्ड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। फाइनली करते हैं स्मार्ट वॉच के लेमिनेशन को रिमूव, और गाइस यहाँ पे देखिए चमचमाती फायरबोल्ट हेरिकेन प्रो, जिसकी डिस्प्ले आपको मिलते हैं 1.39। और गाइस इसकी MRP आपको मिलती है 1299 से लेकर 1700 के बीच, और गाइस फ्लिपकार्ट ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फाइनली इसके लुकआउट में कोई कमी आपको फील होने वाली नहीं, और गाइस यहाँ पे मिलता है चार्जिंग पॉइंट। करते हैं सेंसर लेमिनेशन को रिमूव, और गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको इसके सेंसर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे मिलता है फायरबोल्ट का बेजिंग। इसका स्ट्रेप क्वालिटी भी आपको गुड मिलता है चेंजेबल के साथ, आपको यहाँ पे मिलता है फायरबोल्ट का बेजिंग। और गाइस आपको बता दूं, यहाँ पे आप इसके पिन के साथ इसको चेंज कर सकते हैं, दूसरा स्ट्रेप आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। और गाइस स्ट्रेप में कोई कमी है नहीं है, आपको ब्रांडेड मिलता है। और गाइस यहाँ पे देखिए आपको यहाँ मिलता है इसका बटन ऑन ऑफ करने के लिए, एंड गाइस फंक्शन यूज करने के लिए। फाइनली करते हैं इसको और कुछ इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना होता है, और गाइस फाइनली अपनी वॉच हो जाती है फायरबोल्ट बेजिंग के साथ ऑन। और गाइस कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन मिलते हैं, इसमें एप्लीकेशंस मिलती है, और कौन कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं, चलिए इसके डिस्प्ले पे चलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स चलते हैं इसकी स्क्रीन पे, और दिखाते हैं आपको इसमें कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। फाइनली फ्रेंड्स अपन आ गए अपनी वॉच की स्क्रीन पे, और यहाँ दिखाते हैं आपको इसमें कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो गाइज मैं करता हूँ लेफ्ट स्लाइड, लेफ्ट स्लाइड में कुछ आपको इस तरह से एप्लीकेशन से होती है। करते हैं डाउन स्लाइड, और यहाँ पे देखिए गाइज यहाँ पहला ऑप्शन आता है पावर सेविंग का मोड, आपका ब्राइटनेस 0 हो जाएगा और आपका वाइब्रेशन हो जाएगा बंद। तो गाइज मैं इसको वापस नॉर्मल मोड पे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मिलता है सेकेंड पे थिएटर, टर्न ऑफ वाइब्रेशन एंड टर्न डाउन, आपका ब्राइटनेस डाउन हो जाएगा एंड आपका जो वाइब्रेशन होता है वो हो जाएगा बंद। तो गाइज इसको आप सेविंग मोड भी बोल सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट आ जाता अपने पास टॉर्च का ऑप्शन, कुछ इस तरह से आपको टॉर्च मिलता है, ऑन ऑफ इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एंड गाइज नेक्स्ट आता है वाइब्रेशन एंड नॉर्मल मोड, आपको यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट आता आपके पास ब्राइटनेस का ऑप्शन, कुछ इस तरह से आप इसका ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता आपके पास सेटिंग का ऑप्शन, इसको करते हैं ओपन, और यहाँ पे गाइस देखिए पहला ऑप्शन आता है आपके पास स्टॉपवॉच अलार्म को, यहाँ पे 3 अलार्म आपको मिलते हैं, स्टॉपवॉच कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है। टाइमर आपको यहाँ पे मिलता है 10, 20, 30, और यहाँ पे कुछ इस तरह से 3 घंटे तक का आपको टाइमर यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट आता अपने पास मेन मेन्यू, इसमें आता है गाइस ग्रिड व्यू एंड लिस्ट व्यू, तो ग्रिड व्यू में ये अभी ओके है, कुछ इस तरह से आपको ग्रिड व्यू ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको एप्लीकेशन इस तरह से राउंड में आपको शो हो जाती है। और गाइस अपन थे यहाँ पे सेटिंग, सेटिंग को करते ओपन, यहाँ पे अपन मेन मेन्यू में लिस्ट, तो गाइस मैंने इसको लिस्ट व्यू पे सेट कर दिया है। और गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ लिस्ट व्यू में एप्लीकेशन शो किस तरह से हो जाती है। तो गाइस कुछ इस तरह से आपको लिस्ट में यहाँ पे आपको एप्लीकेशन शो हो जाती है। एंड गाइस अपन थे सेटिंग, सेटिंग को किया ओपन, और यहाँ पे गाइस नेक्स्ट आता ब्राइटनेस, आप यहाँ से ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस आता वाइब्रेशन ऑन, वाइब्रेशन ऑन का ऑप्शन यहाँ पे अलग से दे रखा था, थिएटर का यूज पहले आपको बता दिया, टर्न ऑफ वाइब्रेशन एंड टर्न डाउन ब्राइटनेस। तो गाइज इसको वापस कर देते हैं नॉर्मल मोड पे, यहाँ से आप अपनी स्मार्ट वॉच को रिसेट कर सकते हैं, यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हैं, अबाउट आ जाता है। और गाइज नेक्स्ट आता आपके पास QR कोड का ऑप्शन, इस QR कोड को स्कैन करना होता है आपके फ़ोन से, और वो वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है जिसके साथ ये वाली वॉच कनेक्ट आसानी से हो सके। तो गाइज कुछ इस तरह से आपको इसमें सारे फीचर्स मिल जाते हैं। गाइज करते हैं लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में आपको कुछ स्टेप्स मिलते हैं, आपके चले हुए स्टेप कुछ इस तरह से आपको
मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता स्लिप मोड। यहाँ पे गाइज आप स्लिप मोड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं और आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जिससे आपका जो रेस्ट होता है या फिर आप सो रहे होते हो तो आपको डिस्टर्ब नहीं होता है। तो गाइज नेक्स्ट आता आपके पास हार्ट रेट मॉनिटर। यहाँ पे कुछ इस तरह से सेंसर एक्टिव हो चुके हैं और आपका हार्ट रेट यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट आ जाता आपके पास यहाँ पे ट्रेनिंग। तो गाइज यहाँ पे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, यहाँ पे बहुत सारी आपको एक्सरसाइज मिल जाती है जिसका यूज आप वर्कआउट करते समय कर सकते हैं। नेक्स्ट आता आपके पास ब्लड ऑक्सीजन। कुछ इस तरह से ब्लड ऑक्सीजन आपका शो होता है, सेंसर एक्टिवेट हो चुके हैं और गाइज कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे होता है आपकी बॉडी का ब्लड ऑक्सीजन। नेक्स्ट आ जाता आपके पास वेदर अपडेट। नेक्स्ट आता शटर। तो शटर से गाइज आप अपने फ़ोन का कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता आपके पास प्लेयर। यहाँ पे आप अपने फ़ोन का म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आता ब्रीथ एंड गाइज देखिए। नेक्स्ट आता आपके पास गेम। तो गाइज यहाँ पे यंग बर्ड एंड 2048 यहाँ पे टू गेम्स आपको प्रोवाइड होते हैं जो आप खाली समय में अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। नेक्स्ट आता सेटिंग। तो सेटिंग को गाइज अपन ने चेक कर लिया था, इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और गाइज देखिए होम स्क्रीन पे मैं करता हूँ अपस्लाइड। अपस्लाइड में यहाँ पे आपके जितने भी नोटिफिकेशन है यहाँ पे आपको वो शो हो जाएंगे। फाइनली फ्रेंड्स इस वॉच की सारी डिटेल मैंने आपको दे दी, इसमें कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं वो सारे फीचर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। एंड गाइज इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको परचेस कर पाएंगे। और गाइज इस वॉच को आप अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे, तो गाइज ये वाली जो एप्लीकेशन आपको दिख रही है डा फिट, तो गाइज इसको या तो प्ले स्टोर से डायरेक्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन में इसको QR कोड को स्कैन कीजिए और DF फिट नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगा प्ले स्टोर में। गाइज उसको इंस्टॉल कीजिए और इसको आराम से आसानी से आप अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्ट होने के बाद ही गाइज ये वाली जो वॉच आपको वेदर अपडेट रखेगी एंड गाइज जो आप इसमें खुद का फोटो या फिर कोई भी वॉच फेस आप इसमें यूज करोगे तो गाइज उसी एप्लीकेशन के साथ आप इसमें यूज कर पाएंगे। और गाइज इसमें आपको ब्लड ऑक्सीजन, हार्ट रेट मॉनिटर और जो भी आप इसमें म्यूज़िक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, मल्टीपल वॉच फेस जो भी आप इसमें दे रखें वो सारे फीचर्स आपको इसमें कनेक्ट होने के बाद ही प्रोवाइड होंगे। एंड गाइज स्मार्ट नोटिफिकेशन, जैसे कि आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है तो गाइज इसमें आप आसानी से उसको रिसीव कर पाएंगे। एंड गाइज ये आपको कॉलिंग फंक्शन नहीं मिलता, इसके साथ ही आपके फोन में अगर कॉल आ रहा है तो गाइज इसमें आपको टू ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं, फ़ोन कट करने का एंड फ़ोन साइलेंट करने का। गाइज इसमें आप रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि गाइज ये आपको कॉलिंग फंक्शन के साथ प्रोवाइड नहीं होता है। तो गाइज को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया तो गाइज इसको वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि गाइज मैं ऐसे ही नए नए गैजेट्स आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइज मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।